इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत की एक सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरे भारत में नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल पर जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको फ्री एंड फेयर तरीके से करवाने के लिए, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनमें जो भी इलेक्शंस होते हैं इनको करवाने की जो ड्यूटी होती है वो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हमारे भारत के इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं, यानी हमारे भारत के इलेक्शन कमीशन के हेड को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। और इस समय हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र हैं और हमारे भारत के प्रथम इलेक्शन कमिश्नर का नाम सुकुमार सेन है। दोस्तों, हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान देने की बात है कि भले ही हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमारे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन दोस्तों उनको नॉमिनेट करता है हमारे भारत का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रालय। और अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो दोस्तों, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव होता है वो हमारे भारत का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रालय उनको चुनता है। इसके बाद वो हमारे भारत के राष्ट्रपति को बताता है कि इस बंदे को हमारे भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। उसके बाद वो उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं। और हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो टेन्यूर होती है वो 6 साल या फिर तब तक के लिए होती है जब तक उनकी जो आयु है वो 65 वर्ष ना हो जाए। दोस्तों, हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी कुर्सी से हटाना बहुत मुश्किल होता है। यदि हमारे भारत की सरकार चाहेगी कि उनको उनकी कुर्सी से हटाना है तो हमारे प्रेसिडेंट ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। यदि उनको उनकी कुर्सी से हटाना है तो दोस्तों इसके लिए उनको राज्यसभा एंड लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका 2/3 उनके अगेंस्ट वोट करना चाहिए, और वो भी उनके किसी इम्प्रॉपर एक्शन के कारण। यदि उन्होंने कोई गलत कदम उठाया है तभी उनके खिलाफ वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में 2/3 ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ होने चाहिए, तभी दोस्तों उनको उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनको उनकी कुर्सी से हटाने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय उनकी रिटायरमेंट के। और ऐसा इसलिए है दोस्तों कि उन पर कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ना बना सके कि उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। यदि वो उनका पक्ष नहीं देंगे, उनके लिए कोई स्कैम नहीं करेंगे, ताकि दोस्तों इलेक्शन को स्कैम फ्री और अच्छे तरीके से करवाने के लिए उनको ये पावर दी जाती है। दोस्तों, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की यानी संविधान के एक एक्ट के अनुसार हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी होगी वो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होगी। यानी दोस्तों हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी जो होगी वही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी होगी, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए है, जिस कारण दोस्तों हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी भी 2.5 लाख रुपए ही है। और इन्फ्लेशन या फिर किसी और चीज के कारण भविष्य में ये और ज्यादा बढ़ भी सकती है या फिर ये कम भी हो सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटीज की, तो दोस्तों हमारे इलेक्शन कमिश्नर की सिंपल एक ड्यूटी है और वो है हमारे इलेक्शन कमीशन को चलाना। और अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज की, दोस्तों उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज मैं आपको आज बता देता हूँ, जिनमें से सबसे पहली है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, स्कैम फ्री इलेक्शन थ्रू आउट द इंडिया करवाना, जिससे कि सही और योग्य कैंडिडेट्स आगे आ सकें और हमारे भारत को सही तरीके से चला सकें। दूसरी इनकी ड्यूटी है मॉडल ऑफ कंडक्ट को इशू करना। यदि आपको नहीं पता तो दोस्तों ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि इलेक्शन से रिलेटेड होती है, यानी दोस्तों इनमें बताया जाता है कि इस इलेक्शन में कैंडिडेट्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इनमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी होती हैं जिनका उल्लंघन करने पे किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन से पहले या फिर इलेक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। दोस्तों, इनकी तीसरी ड्यूटी है इलेक्शन कैंपेन पे कैंडिडेट द्वारा कितना खर्चा ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है उसकी लिमिट को निर्धारित करना, और इसी के साथ में इस पर ध्यान देना कि कोई कैंडिडेट निर्धारित की गई लिमिट से ज्यादा खर्चा ना करे। दोस्तों, इनकी चौथी ड्यूटी है इलेक्शंस की डेट को निर्धारित करना और नोटिफिकेशन देना, और इसके बाद इलेक्शंस के नॉमिनेशन को कंडक्ट करना, उसके बाद वोटिंग को कंडक्ट करना, पोलिंग बूथ को बनाना, इसके साथ साथ रिजल्ट को डिक्लेयर करना, ये सभी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन की होती हैं। और इलेक्शन कमीशन को चलाना हमारी इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी होती है। इनडायरेक्टली इन सभी ड्यूटीज़ को पूरे भारत में चलाना यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है। और यदि हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर्स की, दोस्तों हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के किसी भी बंदे को यदि वो कोई गलत कदम उठाता है, कोई
गलत काम करता है जिससे कि इलेक्शन या फिर कोई और आसान हो सके, तो दोस्तों ऐसे में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको उसके पद से बड़ी आसानी से हटा सकते हैं उसके किसी गलत कदम पे। यानी पूरा हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर हमारा इलेक्शन कमीशन आता है, उसको चलाने की जो पूरी अथॉरिटी होती है वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होगी, और आपको स्क्रीन पे कुछ और वीडियोस के नॉलेजेबल वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे। यदि आपको इनमें से कोई भी और ज्ञान को जानने की इच्छा है दोस्तों उस वीडियो को क्लिक कीजिए, वीडियो को देखिए, उसी के साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटा हिलाइए और घर पर जाकर सो जाइए।